प्रेज द लॉर्ड। और जब जब मैंने प्रेयर करवाई है आप लोगों से, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने हमेशा प्रेयर करवाई है। मैं वेट करती रहती हूँ कि थर्सडे आएगा, सैटरडे आएगा तो मैं प्रेयर करवाऊंगी। और जब भी मैं प्रेयर करवाती हूँ, मुझे इंस्टेंटली मुझे हीलिंग मतलब महसूस होती है कि हाँ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले करवाया था, मेरे टांगों में इतनी ज़्यादा जलन थी, इतनी ज़्यादा पेन थी, तो रहा नहीं जा रहा था मुझसे। तो मैंने जैसे फेसबुक ओपन किया तो ऑनलाइन थे, तो मैंने प्रेयर करवाई तो मुझे इंस्टेंटली मतलब फील हुआ कि हाँ ठीक है। मुझे नींद आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं सो पाऊंगी, बहुत ठीक लग रहा था मुझे। थैंक यू सो मच, आपको इसी तरह से बरकत देता रहे। रमनदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इस ब्लेसिंग को कितने लोगों के साथ शेयर किया है? आपने कितने लोगों के साथ? मैंने जी ब्लेसिंग्स को मैंने अपने जो आस पड़ोस हैं उनके साथ भी शेयर की है। हमारे जो रिश्तेदार हैं बहुत हंसते हैं कि हम चर्च जाते हैं, तो बोलते हैं कि आप सिख हो के चर्च जाते हो, लोग तो सिख ही में आते हैं, आप लोग चर्च जाते हो, बहुत हंसते थे हम लोगों पे। तो जैसे ही मुझे सुलेमान के साथ ब्लेस किया प्रभु ने, तो अभी कोई कुछ नहीं बोलता, मतलब बहुत मतलब लोग हैरान होते हैं कि हाँ, जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी के पहले से सोचा हुआ था कि मैंने मुझे बेटा होगा एंड मुझे अपना बेटे का नाम सुलेमान ही रखना है। God bless you, तो लोग बहुत हैरान भी होते हैं जी, हैरान भी होते हैं। एंड मैं चाहती हूँ वो भी महिमा करे प्रभु की, जो प्रभु में नहीं है, प्रभु को नहीं जानते, तो मैं चाहती हूँ वो भी हमारे साथ एक दिन ऐसा आए कि वो बोले कि हाँ हमें भी चर्च लेके चलो। जी ऐसा ही होगा रमनदीप जी। ब्रदर, आप 3-4 दिन के बाद अपनी सेहत में बहुत अच्छा फर्क महसूस करेंगे। इसके अलावा हम आपको कॉल बैक भी करेंगे। हम आपको कॉल बैक भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रीना जी, मैं एक विजन देख रही हूँ कि कोई आ रहा है और आपके लिए एक बड़ी सी बास्केट है, जैसे टोकरियाँ बनी होती हैं पाकिस्तान में स्वीट्स वाली, मिठाइयों वाली, वो है और वो पैसों से भरी हुई है। तो खुदावंद आपको जरूर अपने गायबी खजाने से प्रोवाइड करेगा। ये सुना हमने। आपको हीलिंग चाहिए जी, और आप इस चीज़ पे ईमान रखती हैं कि एवरी क्रिटिकल कंडीशन खुदावंद यीशु के नाम से नॉर्मल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी आप एक्सेप्ट करें इसको कि ये आपकी जो क्रिटिकल कंडीशन है ये नॉर्मल है यीशु के नाम। जी बिल्कुल, हालेलुया। हाँ, क्लेम कर। तो जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और अब मैं विजन में देख रही हूँ कि आप अपने सारे काम रेगुलर कर रही हैं। गॉड ब्लेस। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है सिस्टर। क्या नाम है? सामा। सामा जी, ये नॉर्मल है बिल्कुल, क्योंकि हम इंसान ही बदल रहे हैं, तो हमें कोई कंसोल नहीं कर सकता, हमें कोई तसल्ली नहीं कर दे सकता, सिवाय खुदा मन के। ठीक है, और जिस दौर में आप गुजर रही हैं, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आप एक ब्रेव लेडी हैं। मैं आई मस्ट से यू आर वेरी ब्रेव, आप बहुत बहादुर हैं, और आप खुदावन की चुनी हुई बेटी हैं, क्योंकि आप में ये करेज है कि आप चीज़ों के लिए लड़ सके, फाइट कर सके, क्योंकि खुदा ने आपको डर की नहीं बल्कि दिलेरी की रूह दी है, और आप ब्रेव वुमेन हैं, और खुदावन आपको तैयार कर रहा है आपके बच्चों के लिए, ताकि ये सारी ब्रेवरी, ये सारी बहादुरी आप अपने बच्चों को दे सकें। ठीक है, और खुदावंद आपके साथ है, और जब खुदावंद आपके साथ खड़ा है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। कोई जुबान अगर अदालत में आपके खिलाफ बोलेगी तो वो कारामत साबित नहीं होगी, खुदावंद फरमाता है। और जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो तुझे मारना गिराएगा, क्योंकि तेरा खुदावंद कहता है तू मेरी मिरास है। खुदावंद आपसे प्यार करता है, खुदावंद आपके दिल, आपकी बातों को, आपकी सोचों को आपकी शारक से ज़्यादा नज़दीक है, और आप अभी नज़दीक इतना है खुदावंद आपके कि आप अपनी बॉडी में महसूस कर रही हैं कि पाखरू आपको छू रहा है। आपको फतह मिलेगी साइमा जी, और आपको शादमानी मिलेगी। ये आंसू, खुदावंद कहता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी मुट्ठी में समेट लूँगा और मैं तुझे शादमान करूँगा। गॉड ब्लेस सिस्टर। मैं देख रही हूँ कि ऐसे जैसे एक जख्म ड्राई हो रहा होता है, एक वूंड ड्राई हो रहा होता है और उसका कलर चेंज होता जाता है स्किन का, वैसे ही आपका जो है वूंड वो ड्राई हो रहा है। बहुत बहुत सर, आप कलाम को पढ़ें और समझें, क्योंकि आपको बहाल नहीं होना है, आपको खुदावंद से मिलना है, आपको उसकी बादशाहत को हासिल करना है। और कलाम फरमाता है कि जब हम उसकी बादशाहत की तलाश करते हैं तो बहाली तो हमारे कदमों को चूमती है, और जब कलाम फरमाता है कि जब हम उसकी बादशाहत को तलाश करते हैं तो सारी चीज़ें उसमें आती जाती हैं। ठीक है, आप खुदावंद को एज ए सोर्स नहीं, एज ए रिलेशनशिप एक्सेप्ट करें, एक रिश्ता बनाएं उससे। ठीक है, रिलीजियस
बनने के लिए आसान होता है, रिश्ता बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आमीन। Brother, Lord will touch you very soon and come back to us and call us and tell us how was your how you gonna get that touch or the experience with the Holy Spirit. Okay? यीशु के नाम में दुआ किया करें। जी जी सर जी। हाँ जी, सिर्फ यीशु के नाम में। और कैंडल शैंडल जलानी बंद कर दें। खुदावंद आपको बरकत देगा। ठीक है सर जी। माँ बनने के लिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, माँ बनने के लिए सिर्फ प्रेग्नेंट होना जरूरी नहीं होता। माँ बनने के लिए आपके अंदर माँ वाला प्यार होना चाहिए। आप लोगों के बच्चों को प्यार करना शुरू करें। आप माँ के सारे जो जज्बात हैं वो अपने अंदर कैरी करें और उनको प्रैक्टिस करें दूसरों के लिए, तो खुदा आपको ज़रूर बरकत देगा। क्योंकि जब आप सोचती रहती हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, उसका है, उसका भी है, उसका भी है, ये सोचना बंद कर दें। आप अपने लिए अपने वक्त का इंतज़ार करें और खुदा उनका शुक्र करें दूसरों के बच्चों को। ठीक है।